आज जारी बुलेटिन के अनुसार 7,336 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 6,954 सैंपल नेगेटिव आए, वहीं 362 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। और आज की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.9% के आसपास है, जो लगभग 5% से कम हो चुकी है। अभी कुल इंदौर जिले में कोविड मरीजों की संख्या 150,178 है, और यह जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 10.2% का है। अभी आज की दो डेथ मिला करके इंदौर जिले में कुल 1,343 डेथ हो चुकी हैं जो कोविड से हुई हैं, और इनमें 0.8% का फेटालिटी रेट है अभी इंदौर जिले का। रिकवरी में 1,45,429 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं, और रिकवरी रेट दिनों दिन बढ़ रहा है, और अभी आज का जो रिकवरी रेट है वो 96.8% का है। 3,406 मरीज ऐसे हैं जो कोविड से विभिन्न माध्यमों से अपना इलाज ले रहे हैं, और इनमें से भी अधिकतर मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर्स के माध्यम से इलाज ले रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी का स्टेटस भी काफ़ी बेहतर स्थिति में आ चुका है, अभी काफ़ी इजीली बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं पेशेंट्स को, और अभी उतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी जनता को जागरूकता दिखाने का बेहद आवश्यक समय है, और सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ने में सक्षम हो।